हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज रसोई। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ घी। देसी घी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम रोटी, दाल व चावल में देसी घी डालते हैं। इसे बनाने की मैं बहुत ही आसान मेथड लेके आई हूँ, आप इसे बनाइए। रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। इसके लिए मैंने 7 दिन का मलाई स्टोर करके ले लिया है। मलाई को जार में डाल दिया है। अब इसमें आधा गिलास पानी डालकर इसे मिक्सी में फेंट लेंगे। मलाई को फेंट लिया है। देखिए, छाछ और बटर अलग हो गया है। अब इसमें से बटर को निकाल लेंगे। बटर को निकाल लिया है। इसी तरह हम बाकी के मलाई भी फेंट कर बटर बना लेंगे। सारे मलाई से बटर निकाल लिया है। अब इसे गैस पर चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। बटर पिघल गया है, इसमें उबाल भी आने लगी है। अब इसे चम्मच से हिला लेंगे, जिससे कि इसका जो मावा है वो नीचे ना चिपके। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है, जब तक कि घी तैयार ना हो जाए। घी बन गया है। देखिए, इसके मावा का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है और घी का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और घी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। घी तैयार है। इस विधि से बहुत ही कम समय में आसानी से घी बनाया जा सकता है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।